For more technology reviews and unboxing videos, please subscribe our channel. It's free. Welcome back guys to another video. My name is Kadir Rajput and you are watching Smart Reviews YouTube channel. और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन को अपने सैमसंग स्मार्ट टीवी के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेसली और बगैर इंटरनेट के साथ. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ. तो आप देख सकते हैं मैं अपने लैपटॉप में आ चुका हूँ. इधर आप देख सकते हैं कि जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो इस टाइम ऑफ है. आप कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये देख सकते हैं कि राइट साइड पे आपको एक क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी. तो ओपन होने के बाद आपने कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है. जैसे आप कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे जो भी आपकी LCDS है वो इधर शो हो जाएगी. नीचे आप रिसर्च कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि मेरी जो LCD का नाम है वो यहाँ पे शो हो रहा है. तो मैं ये इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ. तो क्लिक करके थोड़ी देर बाद ये अभी कनेक्शन हो जाएगा इसका. तो आप ये देख सकते हैं ऊपर मुझे मैसेज आ चुका है कि आपका जो लैपटॉप है वो स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट हो चुका है. तो अब ये थोड़ी सी लोडिंग करेगा. तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो लैपटॉप है वो सक्सेसफुली मेरे सैमसंग स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट हो चुका है वायरलेसली है और इंटरनेट के बगैर है. तो मैं इसे एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेता हूँ. तो अभी मैं आपको सॉफ्टवेयर चला के दिखा रहा हूँ. इधर के जो सॉफ्टवेयर है वो भी बिल्कुल सही तरीके से इधर चल रहे हैं. कोई मसला नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बिल्कुल इजी हो गया. आप सॉफ्टवेयर भी चला सकते हैं. इसी तरह आप अपने भी काम जो हैं वो लैपटॉप से जो अपने सैमसंग स्मार्ट टीवी है उसके ऊपर कर सकते हैं. तो अभी मैं आपको जो अपना इंटरनेट कनेक्शन है वो ओपन करके दिखाता हूँ, यानी कनेक्ट करके दिखाता हूँ. तो अभी ये कनेक्ट हो रहा है. तो आप देख सकते हैं कि वाईफाई भी कनेक्ट हो चुका है लेकिन फिर भी ये कनेक्ट है, कोई लॉस नहीं हुआ. बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वाईफाई कनेक्ट करने से जो सिग्नल हैं वो लॉस हो जाते हैं और जो हमारा है सैमसंग स्मार्ट टीवी वो ऑफ हो जाती है. तो कोई ऐसा मसला नहीं. आप देख सकते हैं सामने यूट्यूब भी चल रही है, गूगल भी चल रहा है. तो ये था आज का तरीका कि आप अपने सैमसंग स्मार्ट टीवी को वायरलेसली कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. अब इसे डिसकनेक्ट करने के लिए दोबारा हम उसी तरफ जाएंगे कनेक्ट की तरफ और यहाँ पे आपको डिसकनेक्ट लिखा हुआ नज़र आ जाएगा. आप इधर सिंपली क्लिक करेंगे और आपके जो सैमसंग स्मार्ट टीवी है वो डिसकनेक्ट हो जाएगी. तो आप देख सकते हैं कि हमारी सैमसंग स्मार्ट टीवी पहले की तरह जो है वो हो चुकी है. तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी. इस तरह की मोर वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और विज़िट करें मेरे चैनल पर. आपको सैमसंग स्मार्ट टीवी से रिलेटेड बहुत सारा कॉन्टेंट देखने को मिल जाएगा. So thanks for watching.